दोस्तों आज हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कंपनी का जो FIs का डेटा है और जो DIs का डेटा है। फ्रेंड्स FIs ने अपना स्टेक सीधा डबल कर दिया, मतलब पहले 17.91 हुआ करता था और यहां पर सीधा 47 हो चुका है। अब इस कंपनी में प्रमोटर नहीं है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस कंपनी को चलाने वाले कौन से हैं? FIs हैं और DIs हैं, दो कंपनी हैं। फ्रेंड्स बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे फार्मूला को जो फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो उस फॉर्मूले के हिसाब से शेयर मार्केट में पैसा कमाना आपके लिए या हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्मूला के साथ अगर मान लीजिए मैथ का एग्जाम देना हो हमें और अगर हमें और हमारे पास फॉर्मूला कोई नहीं है तो जाहिर सी बात है हम फेल हो जाएंगे ना। उसी तरह से ये शेयर मार्केट कोई अलग नहीं है, यहाँ पर भी हमें पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई ऐसा स्ट्रांग फार्मूला होना चाहिए जिसकी मदद से हम लोग कंटिन्यू पैसा कमाते रहें। वो फार्मूला अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेते हैं दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको धीरे धीरे वो फार्मूला भी मालूम हो जाएगा और प्लस इसी कंपनी से हम लोग एक बढ़िया प्रॉफिट भी लेकर के जाएंगे। दोस्तों बेसिकली आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ ये अपने जेब से एक चवन्नी खर्चा नहीं करता है, ठीक है, एक चवन्नी खर्चा नहीं करता है। अब मैं आपको बता दूँ अगर एक चवन्नी खर्चा नहीं करता तो करता क्या है। आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, चाहे वो क्रेडिट किसी भी कंपनी का हो तुरंत दिलवा देगी आपको। आपको लोन चाहिए, लोन तुरंत दिलवा देगी। होम लोन चाहिए, तुरंत दिलवा देगी। गाड़ी चाहिए आपको, मतलब ये फाइनेंशली हिसाब किताब से आपको जो भी चाहिए, ठीक है, ये आपको तुरंत प्रोवाइड कराती है कंपनी। और कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा भी नहीं छोटी मोटी कंपनी है। अब बात करें ना, ये कंपनी जब IPO आया था उस टाइम पे, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग फॉलो करते हैं बुक वैल्यू या कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से या इंट्रेंसिक वैल्यू हम लोग फॉलो करते हैं बेसिकली। तो हम जब भी कोई कंपनी बहुत महंगी होती है, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि अदानी का शेयर जो है बहुत महंगा हुआ करता था, अब जो भी महंगा है आज नहीं तो कल उसे गिरना ही गिरना है, सिंपल सी बात है। ये भी जब लिस्ट हुआ था उस टाइम पे बहुत ऊपर लिस्ट हुआ था, वहां से कंटिन्यूस नीचे आया और अब यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, प्लस फंडामेंटली स्ट्रांग हो चुका है। जब मैंने देखा कि फंडामेंटल स्ट्रांग हो चुका है प्लस टेक्निकल बहुत बढ़िया दिख रहा है और दोनों का जब मैंने कम्बिनेशन किया तो मुझे लगा कि इसको ना हम लोग यूट्यूब पर लेकर के आते हैं, क्योंकि अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है इसके पहले हम लोगों ने बहुत सी ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया और बहुत बढ़िया बढ़िया पैसे कमाए। अगर रिसेंटली की बात करूँ तो भाई अपना वोल्टास जिसमें हम लोग AC भी लेकर के आ गए, बढ़िया पैसा दिया, अभी भी वोल्टास ऊपर जाएगा। बेसिकली मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ इसके ऊपर फोकस करिए, शॉर्ट टर्म में आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे करके जाने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं मे बी लॉन्ग टर्म में भी आपको एक ह्यूज प्रॉफिट मिलने की प्रॉबिलिटी है। देखिए FIs ने अपना स्टेक सीधा सीधा यहाँ पर बढ़ा लिया है और DIs की बात करें तो DIs ने भी अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ा लिया है। अब सवाल ये उठता है कि FIs अपना स्टेक यहाँ पर क्यों बढ़ा है, DIs क्यों स्टेक बढ़ा है, जबकि यहाँ पे जो पब्लिक थी पब्लिक ने अपना स्टेक कम क्यों किया। देखिए पब्लिक मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि पब्लिक स्टेक कम करने का रीजन क्या हो सकता है कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो क्या होते हैं टॉप पर पकड़ते, किसी कोई स्टॉक अगर नीचे से भाग रहा हो ना तो यहाँ पर हिम्मत नहीं बनती है। जब एक बार टॉप पर चला जाता है और टॉप से थोड़ा बहुत नीचे आता है और इसके बाद से थोड़ा ऊपर जाता है तब हम लोग बाय करते हैं और थोड़ा ऊपर जा करके फिर वो कंटिन्यूस नीचे आता है। हम लोगों को ये लगता है कि भाई ये कंपनी 100 से 500 पर पहुंची और 500 से आ गया 300 पर, 300 पर बाई कर लो, अब ये 500 से सीधा 1000 पर पहुंचती है। लेकिन यहाँ जब हम 300 पर बाई करते हैं 350 तो जाती है लेकिन उसके बाद से सीधा आती है 100 या 200 रुपये पर आती है, तो हम लोग इस रैली में नहीं पकड़ते हैं। और ये जो कंपनी है बेसिकली ये इस रैली पर है, पहली रैली इसकी गिरी क्योंकि न्यू IPO वाली कंपनी थी, वैल्यूएशन बहुत महंगा था, नीचे आया। अब दूसरी रैली इसकी ऊपर बनने वाली है तो हम लोग यहाँ पकड़ेंगे, नौकी टॉप पर आकर पकड़, तो बने रहिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली दो चीज़ें देखा, दो तीन चीज़ें जिसमें FIs अपना स्टेक बढ़ा दिया, DIs अपना स्टेक बढ़ा दिया। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो कैश फ्लो में आते हैं और कैश फ्लो को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। कैश फ्लो का जो है नेट कैश फ्लो की अगर हम बात करें यहां पर तो कंपनी अभी रिसेंटली इसका कैश फ्लो -415 हुआ करता था, अब इसका
कैश फ्लो कम होकर के -71, अगर ये जिस दिन प्लस में आ जाएगा ना कैश फ्लो, उस दिन इसका प्राइस और रॉकेट हो जाएगा। और प्राइस ऊपर जाने का रीजन क्या है, कैश फ्लो बहुत ज्यादा माइनस में होकर था, अभी कम होने का रीजन क्या है, जब आप चार्ट पर आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। और बैलेंस शीट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बैलेंस शीट में कंपनी का रिजर्व का कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर देखिए कंपनी ने अपना रिजर्व किस तरह से बढ़ाया हुआ है। वहीं अगर इस कंपनी के बोरिंग की बात करें दोस्तों, तो बोरिंग भी जिस तरह से रिजर्व बढ़ा है, बोरिंग भी धीरे धीरे बढ़ी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम आते हैं आगे, सीधा क्वार्टर रिजल्ट पर आते हैं दोस्तों, और क्वार्टर रिजल्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वार्टर रिजल्ट है, बड़ा खतरनाक क्वार्टर रिजल्ट आया भाई। और कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर क्वार्टर रिजल्ट का जो सेल्स है, सेल्स अगर बढ़िया आता है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट में भी प्रॉफिट होनी चाहिए कंपनी का। तो यहाँ पर जब कंपनी के बॉटम लाइन पर हम आते हैं, तो कंपनी के बॉटम लाइन में आने पर अभी रिसेंटली जो इसके पीछे वाला क्वार्टर था उसमें, और इस क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में यहाँ पर आप देखते जाइए, माइनस ऑलमोस्ट 250-300 करोड़ इसका जो नुकसान हुआ करता था, अब इस कंपनी का जब सेल्स बहुत बढ़िया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ, -88 हो चुका है। अब जिस दिन सोचिए कि जिस दिन यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, उस दिन इसका प्राइस, अभी तो ये चल रहा है यहाँ पर रुकी हुई कंपनी, और जिस दिन ये पॉजिटिव आता है, मतलब प्राइस ऊपर जाता है और ये प्लस आएगा, तब ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं सीधा यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है फ्रेंड्स कि कंपनी में देखिए रिजर्व बहुत ज़्यादा है, कंपनी का डेट बहुत कम, मतलब ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है। लेकिन जब ये आईपीओ आया था, बहुत हाई रेट पे ओपन हुआ था, कंटिन्यूअस नीचे आया। जब कोई कंपनी आईपीओ ओपन होने के बाद से कंटिन्यूअस नीचे आता, तो आपको जाहिर सी बात है ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में आपको आरओई आरओसी ये तभी बढ़ेंगे जब प्राइस ऊपर जाए। जब प्राइस नीचे आने लगते हैं तो इसका सीधे सीधे मार्केट कैप में भी फर्क पड़ता है, और यहाँ पर आरओई और आरओसी दोनों में फर्क पड़ता है। तो आरओई और आरओसी के हिसाब से कंपनी भाई बिल्कुल खत्म है, यहाँ पर तो हम लोगों को देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूलस क्या हुआ, चलिए मैं आपको सीधा सीधा चार्ट के ऊपर लेकर के आता हूँ। और कंपनी का आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, पीवी फिनटेक, इस कंपनी का नाम है पॉलिसी बाजार। आई कंपनी पर यहाँ पर सीधे आप अगर हम लोग चार्ट को थोड़ा सा देखें, तो चार्ट में बेसिकली एमएससीडी और आरएसआई को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। आरएसआई ने यहाँ पर एक सिग्नल दे दिया था, ये आप सिग्नल देख सकते हैं क्रॉसओवर, और वो प्राइस था यहाँ पर क्रॉसओवर। मान लीजिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, प्राइस ऊपर जाता है नीचे आता है, ठीक है, नीचे आने के बाद से यहाँ पर डर लगने लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप आरएसआई की बात करके, ये तो मान लीजिए एमएससीडी ने क्रॉसओवर दिया, लेकिन आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई भाई एक समय यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में था, जहाँ पर 30 हुआ करता था, लेकिन अब ये कम से कम 40 से 50 मतलब ऊपर निकलने की कोशिश, दूसरा हो गया। तीसरा अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर तीसरा वॉल्यूम यहाँ पर बना था, वॉल्यूम बनने के बाद से ये एक रेड वॉल्यूम बना, नीचे आया। लेकिन अब जिस हिसाब से यहाँ से वॉल्यूम के साथ ये प्राइस ऊपर निकला हुआ है, कहाँ तक जा सकता है ये कंपनी। अब मैं इसे आपको लेकर के आता हूँ थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पर, और वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये कंपनी यहां से ऊपर कंटिन्यूअस नीचे आई थी, बताया तो था आपको कि ये यहां पर आईपीओ लॉन्च होता है, और जब कोई कंपनी महंगी होती है तो वहां पर बाई नहीं किया जाता है। अगर जिनको ये सिस्टम भी पहले भी पता होता ना, तो अदानी के शेयर ऊपर कभी भी वो लोग बाई नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, कंपनी चाहे कैसी भी हो, अब यहां से वॉल्यूम के साथ सीधा सीधा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनना चालू हो गया। तो इसे आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हैं, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई करना है सपोज, तो भी आप मेरे हिसाब से कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट कहां तक है, मतलब अगर लॉन्ग टर्म ऑल टाइम हाई की अगर हम लोग बात करें, तो जब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पर आता है सपोज, तब तो फिर ये महंगी हो जाएगी, अभी तो बहुत सस्ती है। तो मतलब 800-900 हजार तक के टारगेट के लिए हम लोग इसे बाई कर सकते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए है, उनके लिए कम से कम 600-650-700 तक का टारगेट, ये मेरा टारगेट। तो यहां पर
आप RSI और MACD दोनों के दोनों बता दिए कि अभी भी ये कंपनी नीचे के जोन पर है, और कम से कम यहाँ से RSI एटलीस्ट 70 और 80 पर आता है, MACD ने ऑलरेडी यहाँ पर क्रॉसओवर दे दिया है, तो आगे चल करके ह्यूज प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों बेसिकली मैं बात कर रहा था फार्मूला की, तो फार्मूला आपको सेट कहाँ से करना है, फार्मूला आपका फंडामेंटल और प्लस टेक्निकल होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप मान लीजिए आपको फार्मूला समझ में आ गया कि भाई इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस बुक वैल्यू के हिसाब से जब कोई कंपनी सस्ती आती है तभी हमें बाई करना है। दूसरी, अगर आपने इस चीज को फोकस नहीं किए तो ये कंपनी यहां पर भी तो आकर के ऊपर निकलने की कोशिश की थी, जैसे यहां पर आकर के इस तरह से ऊपर निकल, नीचे यहां से गिरी, फिर यहां से भी ऊपर निकलने की कोशिश की, फिर यहां आया, फिर ऊपर निकलने की कोशिश की, फिर आया, फिर ऊपर निकलने की, तो आप कितना भी इसमें एवरेज करेंगे, मान लीजिए आपको लगा कि नहीं मतलब मेरी गट फिटिंग फीलिंग कर रही है कि आप यहां से ऊपर जाना, आपने बाई किया, नीचे आया, कोई बात नहीं हम एवरेज करेंगे, ऊपर गया एवरेज किया, फिर नीचे आया, अच्छा ठीक है अब की बार फिर से एक बार एवरेज करेंगे, अब की नहीं गया तो मैं बेच करके निकलूंगा, ऊपर गया, देखा मैंने बोला था ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं गया फिर नीचे गया, अब क्या करोगे, हार मान करके आप पूरे के पूरे लॉस लेकर के बाहर हो जाओगे, और फिर बाद में जब कंपनी भागने भी लगेगी तो आप गाली देते रहोगे, यार ये ना कंपनी बहुत बकवास कंपनी, चोर कंपनी, मैंने ये किया मैंने वो किया, ये कंपनी देती ही नहीं है, फंसा देती है, ये जा रहा ना ऊपर फिर से गिरेगी। लेकिन जब आपको फंडामेंटल मालूम हो गया, जब आपको फार्मूला मालूम हो गया कि यही फार्मूला एग्जैक्टली काम करता है, जब इस लेवल पे आ जाए तो उस लेवल पे बाई करके हमें होल्ड करना चाहिए, ना कि वहां पर हमें बेचना चाहिए, और जब हम होल्ड करते हैं तो बढ़िया प्रॉफिट मिल जाती है। दोस्तों वैसे तो मैं नई कंपनियों के बारे में बताता नहीं हूं, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है, जब आप इसका बिजनेस मॉडल पढ़ेंगे ना तो बिजनेस मॉडल इसका बहुत ही जबरदस्त है, आप भी एक बार इसका बिजनेस मॉडल जरूर पढ़िएगा, बिजनेस मॉडल बहुत ही जबरदस्त है, आगे चल करके ये कंपनी हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है, शॉर्ट टर्म में जहां पर मार्केट गिर रही है वहां पर ये कंपनी भाग रहा है, मतलब क्या हुआ, स्ट्रांग स्ट्रेंथ आ चुका है, फाइस ने एंट्री कर दी, डीआईएस ने एंट्री कर दी, तो हम लोगों को शॉर्ट टर्म में भी बढ़िया पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये फॉर्मूला, स्टॉक कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज अभी लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।